हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सांपों का मतलब है खतरा, और ये डर ठीक भी है। ये हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को काटते हैं। कुछ में होता है जानलेवा जहर, तो कुछ सिर्फ हमला करते हैं, पर कुछ दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा सांप सबसे खतरनाक है, वो जो आपके सामने है? कौन जानलेवा है, हम यही तय करके आपको बताएंगे। अफ्रीका, ऊपर मौजूद है जंगल की यह विशाल छतरी और नीचे छिपे हैं बेहिसाब खतरे। ये कई महीनों से बिना हिले डुले पड़ी है, सही मौके के इंतजार में। ये बहुत भूखी है, और आखिरकार ये हमला कर देती है पूरी सटीकता से। इसके फैंग्स हैं जानलेवा। गबून्स बाकी सभी वाइपर से ज्यादा बड़े होते हैं और भारी भरकम भी, और इनके फैंग्स 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, यानी किसी भी सांप से ज्यादा लंबे, जो जुड़े होते हैं बड़े बड़े वेनम ग्लैंड्स के साथ। ये एक बाइट में 600 मिलीग्राम तक जहर इंजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 35 मिलीग्राम से किसी इंसान की जान चली जाएगी। इनके तेज असर वाले जहर में होते हैं बहुत से टॉक्सिन्स, कुछ खून की क्लॉटिंग अंगों को नाकाम करते हैं, तो कुछ नर्वस सिस्टम, मस्कुलर टिश्यूज और दिल पर हमला करते हैं। इससे 2 घंटे में हमारी और चंद सेकंड में ही इसके कुदरती शिकार की मौत हो सकती है। और इसी के लिए ये बना है, लेकिन ये इंसानों को कम ही काटता है, क्योंकि ये अफ्रीका के कुछ बेहद ही दूर दराज और बिना बसावट वाले जंगलों में रहता है। ये कम दिखाई देते हैं, और जंगल में इनके काटने से इंसानों के मरने की खबरें शायद ही मिलती हों, पर ये जानलेवा तो है। बहुत से लोगों को अपने घरों में सांपों को पालने का शौक होता है, लेकिन एंटीवेनम और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में इनके काटने पर मौत तय है। तो ये इस पायदान में कहां ठहरते हैं? एक बाइट में ये जहर की काफी मात्रा इंजेक्ट करते हैं, लेकिन असल में इसका असर कई दूसरे वाइपर्स के मुकाबले कम होता है। ये हमलावर होते हैं? नहीं, बहुत शांत होते हैं, हाथ से उठाने के दौरान भी। ये काटते हैं? अक्सर नहीं। इनका एंटीवेनम उपलब्ध है, और कई साल से इनके काटने से किसी के मरने की खबर नहीं आई। तो गबून वाइपर्स मुकाबले में तो हैं, लेकिन कुछ और जानलेवा सांप भी पेड़ों पर लटके नजर आते हैं। ये सांप शायद इस कॉन्टिनेंट पर सबसे बदनाम है, लेकिन इनकी बदनामी जैसे इनसे भी आगे आगे चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका में किसी भी हरे सांप को ग्रीन मांबा मान लिया जाता है,
और उससे फायदा होता है छोटे छोटे विषहीन बुश स्नेक्स को, तो किसी जानलेवा प्रजाति जैसे दिखने के भी अपने फायदे हैं। दुश्मन इनके इर्द गिर्द नहीं भटकते और इंसान वो तो हर हरी चीज से घबराते हैं। किसी बुश स्नेक के काटने से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन मांबा के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। ये बहुत खतरनाक सांप हैं। क्यों? क्योंकि इनका दमदार न्यूरोटॉक्सिक वेनम तो उड़ते हुए परिंदों को भी टपका देता है। किसी इंसान को अगर ये सांप काट ले तो एक घंटे में मौत पक्की है। तो जहर वाले और बिना जहर वाले सांपों में फर्क कैसे करें? पहले ये देखें कि आप कहां हैं। अफ्रीका में ग्रीन मांबा की 3 प्रजातियां मिलती हैं। ईस्टर्न ग्रीन मांबा सिर्फ इन तट रेखाओं के आसपास मिलता है, जैमिसन सेंट्रल अफ्रीका में, और वेस्ट अफ्रीकन ग्रीन मांबा सिर्फ यहां पाया जाता है। उसके बाद मांबास को पहचानिए। ईस्टर्न स्पीसीज हल्की हरी होती है और इस पर पीले स्केल्स होते हैं, जबकि जैमिसन और वेस्टर्न अफ्रीकन ग्रीन मांबास धब्बेदार और धुंधले रंग के, और इनके स्केल्स के छोर काले होते हैं। इनकी तो लंबाई भी 2.5 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इतने फुर्तीले कि पेड़ों की चोटियों पर उड़ते हुए से लगते हैं। कहते हैं कि ये नीचे चल रहे शिकार पर हमला करने के लिए पेड़ों से छलांग लगा देते हैं। तो अगर आप ग्रीन मांबा के इलाके में रहते हैं तो सावधान रहें। ये पेड़ों पर बैठे सिर्फ नजर रखते हैं। ये शर्मीले जीव हैं, खुद को छुपाए रहते हैं और पेड़ों की चोटियों पर रहते हुए खुद में ही मस्त रहते हैं अक्सर। तो क्या ये सांप सिर्फ अपने जानलेवा जहर के बल पर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? शायद, लेकिन वो खुद में ही मस्त रहते हैं तो लोगों को बहुत कम ही काटते हैं। लेकिन इनका जहर जानलेवा है तो फिलहाल इन्हें सबसे ऊपर जगह मिल रही है। ये है अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप, अजगर। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर जितनी और वजन 100 किलो तक हो सकता है। ये शायद दुनिया का सबसे हमलावर तेवर वाला कंस्ट्रिक्टर हो। इसके फिश हुक्स जैसे 100 से भी ज्यादा दांत होते हैं, लेकिन ये काट कर नहीं मारता। ये अपने शिकार को दम घूंट कर मारता है, और इसके शिकारों में चूहों से लेकर मगरमच्छ और यहां तक कि कभी कभी इंसान भी होते हैं। ये घात लगाने वाले शिकारी हैं, लेकिन अगर शिकार दुर्लभ हो तो ये हंटिंग भी करते हैं और लोगों से भी नहीं डरते। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। हम इंसानों के घरों के नीचे वाली अंधियारी जगहों से होकर गुजरने में पायथन को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इन्हें कुदरत ने एक दमदार थर्मल इमेजिंग सिस्टम दिया है। इनके मुंह के आसपास मौजूद पिट ऑर्गन से तापमान के बदलाव का पता चलता है और दिमाग तक सिग्नल पहुंचकर आसपास के इलाके या शिकार की तस्वीर बन जाती है। लेकिन ये यहां शिकार करने नहीं बल्कि रहने आई है। लेकिन क्यों? इसकी वजह समझ आती है 70 दिन बाद। इसके बच्चे अंडों से निकल आए हैं।
और इस दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं। इसने 40 बच्चों को जन्म दिया है। ये पहली बार अपनी केंचुली छोड़ते हैं और अपनी पहली खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। ये जन्म से ही हमलावर होते हैं, लेकिन दिक्कत इनसे नहीं है, दरअसल मां को भी भूख लगी है। इस अजगर का शिकार बनने वाला जीव खतरे को समझ नहीं पा रहा, और जब तक समझता है तब तक देर हो चुकी होती है। अजगर तेजी से हमला करके शिकार को दबोच लेता है और इसके दांत शिकार को छूटने नहीं देते। इंसानों के शरीर में लगभग 800 मसल्स होती हैं, लेकिन अजगरों के शरीर में 10,000 तक। इस मादा में जहर नहीं है तो ये अपनी मसल्स का भरपूर इस्तेमाल करती है। ये अपने शिकार की खून की सप्लाई रोककर उसकी धड़कन बंद करके दिमाग को नाकाम कर देती है। लेकिन अब इंसानों को पता चल गया है कि वो यहां है तो वो इसे भगाना चाहते हैं। खरगोश का मामला शायद इतना अहम ना हो, लेकिन किसी सोते हुए बच्चे की बात बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या किसी अजगर की जकड़ किसी ग्रीन मांबा के जानलेवा जहर का मुकाबला कर सकती है? ये दम घोटकर जान लेने वाले और हमेशा हमले और काटने के लिए तैयार रहने वाले जीव हैं, लेकिन इनमें न तो जहर होता है और न ही इंसान इनकी खुराक में शामिल है, तो इनका काटना जानलेवा साबित नहीं होता। जबकि ग्रीन मांबा के साथ ऐसा है, लेकिन सिर्फ ग्रीन मांबा ही अफ्रीका में पेड़ों की चोटियों पर रहने वाली एक लौती जहर वाली प्रजाति नहीं है। ये है बुअम स्लंग। गबून वाइपर या ग्रीन मांबा जैसे सांपों के मुकाबले इनके फैंग्स बहुत छोटे होते हैं, जो मुंह के पिछले हिस्से में होते हैं, और इन्हें काटने के लिए कभी कभी अपना मुंह 180 डिग्री तक खोलना पड़ता है, और ये चबा कर जहर इंजेक्ट करते हैं। बुअम स्लंग्स की जहर वाली ग्लैंड्स बड़ी नहीं होती, लेकिन इनके जैसा जहर भी और किसी में नहीं होता। पेड़ों की चोटियों पर आने जाने के लिए शरीर का हल्का और पतला होना जरूरी है, तो ये मात्रा की बजाय क्वालिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं। असर के हिसाब से बुअम स्लंग का जहर अफ्रीका में सबसे जानलेवा होता है, और इसे दुनिया का सबसे जहरीला रियर फैंग्ड स्नेक माना जाता है। यानी इस प्रजाति से हर हाल में दूर रहना जरूरी है। लेकिन यह बहुत आम है और सहारा के दक्षिण में रहने वाले लाखों लोगों के आसपास ही रहता है। बुअम स्लंग सांप खुद को छिपाने में भी माहिर होते हैं। यह अजीब बात है कि सांपों में नर ज्यादा चटक और खूबसूरत होते हैं, जबकि मादाओं का शरीर हल्के रंग और धब्बों वाला होता है। इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और इनके बच्चे कुछ कुछ वाइन स्नेक्स जैसे लगते हैं।
इस कॉन्टिनेंट पर रहने वाली किसी भी प्रजाति के मुकाबले इनके रंगों में सबसे ज्यादा विविधता होती है। पहचानने में मुश्किल इस जीव को आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो इनकी कुछ ज्यादा ही बड़ी आंखों के जरिए। एक बुअम स्लंग सांप के काटने से 1950 के दशक में हर्पेटोलॉजी की दुनिया में जैसे तूफान ही आ गया था। कार्ल पी श्मिट को उनकी महारत के लिए जाना जाता है और कई प्रजातियों का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनसे एक कम उम्र के सांप की पहचान करने के लिए कहा गया। उन्हें ये जाना पहचाना लग रहा था लेकिन उन्हें इसकी प्रजाति का यकीन नहीं था, तो उन्होंने इसे उठाया और सांप ने उन्हें काट लिया। उन्हें न तो यह पता था कि उन्हें एक बुअम स्लंग ने काटा है, न वो इसके खतरनाक जहर के बारे में जानते थे, तो उन्होंने इसके लक्षणों को दर्ज करने का फैसला किया। अगले दिन उनकी जान चली गई। लेकिन क्या इस दमदार हीमोटॉक्सिक वेनम के बल पर ये सांप इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं? बुअम स्लंग्स अफ्रीका के काफी बड़े हिस्सों में मिलते हैं लेकिन ये इस कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे बड़ी इंसानी बस्तियों में आते जाते रहते हैं और लाखों लोगों को काटते हैं। इसका जहर अफ्रीका के सभी सांपों के मुकाबले सबसे दमदार माना जाता है लेकिन ये हमलावर नहीं है तो इसके काटने से लोगों के मरने की खबरें कम ही मिलती हैं। लेकिन बुअम स्लंग के काटने से 10 लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है। इससे इन्हें बढ़त मिल गई है लेकिन ऐसी मौत के साथ सिर्फ यही सांप जुड़े हुए नहीं है। ये है अफ्रीका का एक पुराना परिवार और ये सभी दावेदार हैं। ये प्रतीक है एक पुरानी सभ्यता का और इस सांप का जिक्र मानव इतिहास में मिलता है। फैरो के मुकुट पर इसका चिन्ह है। ये प्राचीन मिस्र में प्रतीक है ताकत और दैवी शक्ति का। इसके साथ जुड़ी हैं संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें, वो हत्या हैं या फिर आत्महत्या। सस्पेंस खत्म करते हैं, हम बात कर रहे हैं क्लियोपेट्रा की, जो 30 BC तक मिस्र की रानी थी। क्या इतिहास की सबसे प्रसिद्ध आत्महत्या के लिए इजिप्शियन कोबरा का इस्तेमाल किया गया या फिर ये कत्ल था? और आज इस प्राचीन प्रतीक की क्या जगह है? इजिप्शियन कोबरा का इलाका मुख्य रूप से इक्वेटर के उत्तर में पूरे अरेबिया में फैला हुआ है और इसी जगह इस इलाके की कुछ सबसे पुरानी इंसानी आबादियां मौजूद हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर होती है और यह है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा कोबरा, सांपों का शहंशाह। कलेक्टर्स और एंटरटेनर्स ये दोनों को ही पसंद है। ये सांप सदियों से इंसानों के साथ आराम से रहते आए हैं लेकिन अगर किसी बड़े और जहरीले सांप से अक्सर इंसानों का सामना होता रहे तो कभी ना कभी हादसा होगा ही, और हर साल हजारों लोगों को इसका जानलेवा असर झेलना पड़ता है। इसके काटने पर इनका न्यूरोटॉक्सिक वेनम जिंदगी के लिए घातक बन जाता है। लेकिन मुकाबले में आखिर ये कहां ठहरते हैं? हमारे अगले प्रतिद्वंद्वी इतने ही दमदार बल्कि इनसे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। ये तो अफ्रीका की जलराशियों में भी आराम से रहते हैं और ऊंचाई वाले जंगलों में भी। इनकी लंबाई होती है करीब 3 मीटर और ये है इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कोबरा प्रजाति, फॉरेस्ट कोबरा। और इनके पास तमाम खूबियां हैं, चेहरा मोहरा, साइज, गुस्सा और जहर।
इनके जहर में दमदार साइटो और न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, तो इनकी बाइट अपाहिज कर सकती है या जान भी ले सकती है। ये चढ़ने और तैरने दोनों में माहिर होते हैं, तो ये मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन अफ्रीका की जलराशियों में शिकार करने वाले यही इकलौते सांप नहीं है। सबसे खतरनाक सांप वो है जो अक्सर इंसानों का रास्ता काटता रहता हो। कई जगहों पर इससे बचा ही नहीं जा सकता और इससे मुठभेड़ हो ही जाती है। खतरे का जरा सा एहसास होते ही इसका कोबरा वाला रूप जाग उठता है। यह अपना फन फैलाकर चेतावनी देता है। इन लोगों ने वक्त रहते इस फॉरेस्ट कोबरा को देख लिया। अब यह घिर चुका है और बचाव की मुद्रा में आ गया है। ये बड़े कोबरा उकसावे की जरा सी भी कार्रवाई पर काटने के लिए बदनाम है। इसीलिए फॉरेस्ट कोबरास को अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार किया जाता है। साइज, एटीट्यूड और वेनम, फॉरेस्ट और इजिप्शियन कोबरास में ये सारी खूबियां हैं। ये दोनों प्रतिद्वंद्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी कोबरा प्रजातियों में से हैं, लेकिन इनका जहर बूम स्लंग जितना दमदार नहीं होता और ये अजगर जितने हमलावर भी नहीं होते। लेकिन ये क्योंकि घनी आबादी वाले इलाकों में रहते हैं, तो इंसानों के साथ इनकी जानलेवा मुठभेड़ें चलती रहती हैं और ये हर साल हजारों लोगों को काटते हैं और सैकड़ों की मौत भी हो जाती है। हर कैटेगरी में बड़े स्कोर की वजह से इनके सामने दूसरे सांप टिक नहीं पा रहे, जिससे फॉरेस्ट और इजिप्शियन कोबराज पहले नंबर पर आ गए हैं। फिलहाल बेशक इन्होंने बढ़त बना ली हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के ड्राई सवानाज में एक और अनोखा सांप मौजूद है। यह छोटा है मगर इसमें जानलेवा जहर है और कुछ ऐसी खूबियां भी जो दूसरों में नहीं। अफ्रीका में जहरीले सांपों की प्रजातियों में से सिर्फ 5 ही जहर थूक सकती हैं। इनमें से 4 हैं कोबरा और 5वीं है रिंखल। बेशक कोबराज बड़ी सटीकता से जहर थूकते हैं, लेकिन रिंखल्स को उसे फेंकना पड़ता है। जहर इसके ग्रूव्स वाले फैंग्स से नीचे टपकता है। रिंखल पीछे हटकर अपने सिर को हिलाता है और इससे जहर इसके टारगेट वाली दिशा में फैल जाता है। अगर निशाना सही लगे तो यह अंधा कर सकता है। अगर दुश्मन चेतावनी की अनदेखी कर दे तो यह किसी इंसान या जानवर को काट सकता है और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन रिंखल को टक्कर देने वाला एक ऐसा कोबरा सांप है जो और भी कमाल का है। मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबराज अपनी फैमिली के सबसे छोटे आकार के सदस्य हैं। ये दिखने में अपने सहवंशियों जैसे इंप्रेसिव नहीं लगते। इनके शरीर के लक्षण कुछ खास नहीं होते, लेकिन ये पूरे दक्षिण अफ्रीका में आम पाए जाते हैं और ये ज्यादातर रात में निकलते हैं। खाने के मामले में ये तुनक मिजाज नहीं होते। ये मेंढकों, टोड, चूहों को आराम से खाते हैं।
और यहां तक कि सांपों को भी नहीं बख्शते। एक ब्राउन हाउस स्नेक जवाबी टक्कर दे रहा है। लेकिन इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन सांपों के किसी कबून वाइपर जैसे फैंग्स नहीं होते, न ही अजगर जैसा साइज और ताकत, और न ही अफ्रीका के सबसे बड़े कोबराज जैसी चमक दमक। लेकिन मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अपने इलाकों में ये हजारों सबसे ज्यादा सीरियस बाइट्स और जहर से जुड़ी चोटों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्यों? मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबराज अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में शुमार हैं। ये हमलावर सांप हैं और बिना चेतावनी के हमला कर देते हैं। तीन मीटर के दायरे में तो इसका निशाना कभी नहीं चूकता। और सबसे अहम बात, ये शर्मीले नहीं होते और चूहों, मेंढकों और गैकोज की तलाश में घरों में भी घुस जाते हैं। ऐसे में ये खुद को भी खतरे में डालते हैं और सामने वालों को भी। ये बिना चेतावनी दिए या फिर बिना किसी उकसावे के काटता है या थूकता है, और अक्सर इसके शिकार छोटे बच्चे होते हैं। इसका जहर मांस को गला देता है और इसका शिकार जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है या अपनी उंगलियां गवा सकता है। और अपने जैसे रिंखाल की तुलना में कहां बैठता है। रिंखाल का जहर बेशक दमदार होता है, लेकिन ये इंसानों पर हमला करने से बचते हैं। ये इंसानों को कम काटते हैं और मौतें तो और भी कम होती हैं। लेकिन इनके आम शिकार बनते हैं मवेशी और पालतू जीव, और इसी वजह से ये हमारे बुआम्सलांग से आगे हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन कम जगह पाए जाने से इसे तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबराज की रेंज काफी बड़ी है और इस वजह से लाखों लोगों से इसका सीधा सामना होता रहता है। ये जहरीले भी हैं और बदमिजाज भी। इनके जानलेवा साइटोटॉक्सिन वेनम की वजह से इनका शिकार बनने वाले हजारों लोग खतरनाक ढंग से अपाहिज हो सकते हैं और मर भी जाते हैं। मरने वालों की तादाद बुआम्सलांग और रिंगखाल दोनों के शिकारों से ज्यादा है, इसीलिए इन दोनों सांपों से आगे निकलकर नंबर वन होने के करीब पहुंच रहा है। ये जानलेवा तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि नंबर वन पर मौजूद जायंट कोबराज की जगह ले सकें। तो इस दबदबे वाली फैमिली से कौन टक्कर ले पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद सूखे कालाहारी में मौजूद है, नामीबिया। यहां रहता है केप कोबरा। इनका साइज इनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी से आधा होता है, लेकिन जहर के मामले में यह अफ्रीका के किसी भी दूसरे कोबरा से कहीं ज्यादा जहरीले हैं। अगर इनका जरा सा भी दांत लग जाए तो चंद मिनट में ही इंसान की मौत हो जाएगी। ये दुनिया के सबसे मुश्किल माहौलों में से एक में रहते हैं, जहां होती है असहनीय गर्मी, सिर छिपाने की जगह नहीं, और शिकारी होते हैं बेहिसाब। लेकिन शिकार बनने वाले दुर्लभ, तो हर कोशिश कामयाब होनी चाहिए। जरा से जहर से भी शिकार का काम तमाम हो जाना चाहिए। आसमान में बने किसी किले जैसे
सोशियबल वीवर्स पक्षियों के घोंसले शिकारियों से सुरक्षित होते हैं, लेकिन क्या यह सच है? यहां सैकड़ों पक्षी मौजूद होते हैं, तो मेहनत का फल मीठा ही होगा। लेकिन खुद को छिपाना जरूरी है। फिलहाल तो दो या तीन चूजों से ही इसका काम चल जाएगा। ये मादा कुछ देर तक यहां मंडराएगी, लेकिन यहां गर्मी बहुत ज्यादा है और इसे सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए, पर यह यहां ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो शिकार बन सकने वाले ये पक्षी डरकर भाग जाएंगे। केप कोबरा बेशक रेगिस्तान में रह लेते हों, लेकिन ये सैकड़ों छोटी छोटी इंसानी बस्तियों और खेतों के आसपास भी रहते हैं। ये इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। इनका रंग पीला सुनहरा से लेकर बादामी धब्बेदार तक होता है, यानी ये अपने माहौल में पूरी तरह छिपे रहते हैं। और ये शर्मीले भी नहीं होते। ये खुराक या छाया की खोज में अक्सर घरों में दाखिल हो जाते हैं, और जिसके जानलेवा नतीजे निकलते हैं, क्योंकि केप कोबरा का दमदार न्यूरोटॉक्सिक जहर तेजी से असर करता है। लोग दूर दराज जगहों पर रहते हैं, यानी काटे जाने पर उन्हें मेडिकल मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में झटपट एंटीवेनम और इलाज चाहिए होता है, लेकिन बहुत से समय रहते अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते। केप कोबरा को इस लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वो इन दोनों सांपों को इनकी जगह से हटा पाएगा? अफ्रीका के इस कोबरा का जहर सबसे जानलेवा होता है। ये गुस्सैल है। ये हर साल 1000 से ज्यादा लोगों को काटता है, जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, और इसीलिए ये बदनाम हो गया है। तो इसे नंबर वन पर रखें? नहीं, ये दूसरे नंबर पर तो है, लेकिन अपने से बड़े कोबरा प्रतिद्वंद्वियों को नंबर वन पोजीशन से हटाने के लिए और कौन सी खूबी वाला सांप चाहिए? शायद ऐसा सांप जो केप कोबरा और इन दोनों सांपों से टक्कर ले सके। सवाना से पहाड़ों तक, वर्षा वनों से रेगिस्तानों तक, अफ्रीका के सबसे बदनाम जहरीले सांप इस पूरे कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और शायद इनमें से सबसे बदनाम सांप कहा जाएगा ब्लैक मांबा को। दमदार ब्लैक मांबा की लंबाई करीब 4.5 मीटर होती है, और यह अफ्रीका का सबसे लंबा और जहरीला सांप है, साथ ही तेज भी। यह सबसे तेज रफ्तार से दौड़ सकने वाले इंसानों से भी तेज चल सकता है। ब्लैक मांबा सांप बहुत हमलावर मिजाज के होते हैं। इनमें ताकतवर न्यूरो और कार्डियो टॉक्सिक जहर होता है, जो किसी शिकार को उड़ते उड़ते नीचे टपका सकता है। ये नहीं चाहते कि इनका शिकार भागकर बच जाए। किसी मांबा की बाइट इंसानों के लिए भी इतनी ही खतरनाक हो सकती है। इनका जहर मिनटों में ही जान ले सकता है। सांप और लोग एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। शहर फैलते हुए इनके इलाकों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस मादा के पास यहीं बसने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन इसके सिर्फ नुकसान ही नहीं है। छिप कर रहने वाला ये सक्रिय शिकारी आसानी से मिल सकने वाली किसी भी खुराक को झपट सकता है,
इसके दांतों के छूने भर से ही मौत तय है। इनका फायदा यह है कि ये मुफ्त में चूहों से छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन कोई भी अपने अहाते में किसी ब्लैक मांबा की मौजूदगी नहीं चाहता, और ऐसे में ऐसे सांपों का सबसे खतरनाक रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन ये लोग इसे यहां से निकालने आए हैं। सभी जंगली जीवों की तरह खतरा पेश होने पर ये या तो लड़ेगी या फिर भागेगी। घिर जाने पर कोई ब्लैक मांबा बड़ी फुर्ती और खतरनाक ढंग से खुद को बचाता है। ये इंसान के पीछे हटने के मुकाबले आगे की तरफ 50 गुना तेजी से हमला कर सकती है। अपने लंबे कद की वजह से ये पीछे हटकर छाती की ऊंचाई तक हमला कर सकती है। इसके हर फैंग में होती है जहर की 20 बूंदें, और सिर्फ 2 बूंदों से ही स्नेक कैचर मारा जाएगा। इसके काटने पर एंटीवेनम ना दिया गया तो इस शख्स के बचने की गुंजाइश कम है, और इसीलिए इसे अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है। लेकिन क्या यह वाकई सबसे जानलेवा है? इसका जहर 20 मिनट में जान ले सकता है। यह बहुत हमलावर फितरत के होते हैं, लेकिन यह इतने ज्यादा हमले नहीं करते। हर साल इनकी 100 से भी कम बाइट्स की खबरें आती हैं। एंटीवेनम और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अभाव में मौत करीब करीब पक्की है, लेकिन बहुत से लोग अस्पताल तक पहुंच जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। सच ये है कि ब्लैक मांबा को मास किलर नहीं बल्कि एक डेंजरस स्नेक माना जाने लगा है, और इसीलिए वो आ गया है तीसरे नंबर पर। तो ब्लैक मांबा टॉप पर नहीं आ सकता, ऐसे में कौन जीतेगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसी आम इंसान के लिए अलग तरह के शेवरॉन पैटर्न्स, कील्ड मल्टी कलर्ड स्केल्स और हमला करने के मिलते जुलते अंदाज कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक खास वजह है, क्योंकि इनमें से एक प्रजाति दुनिया में सबसे खतरनाक है। ये है पफ एडर और वेस्ट अफ्रीकन कार्पेट वाइपर। पफ एडर पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में मिलता है, और कार्पेट वाइपर के छोटे से वेस्ट अफ्रीकन इलाके में भी इसका दबदबा है, लेकिन यहां दोनों ही हम इंसानों के साथ रहते हैं। बड़े साइज वाले पफ एडर्स माहौल में बखूबी घुल मिल जाते हैं। घात लगाने वाले ये शिकारी अक्सर छिपे रहते हैं और किसी दूसरी जगह जाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। ये कोई बड़ा खतरा पेश होने पर हमला करते हैं, या अगर वक्त शिकार का हो। तो इसे इस झोपड़ी में घुसने में कोई एतराज नहीं है। यहां एक अंधेरे कोने में यह शिकार को घेरेगा। बेहद तेजी से हमला करने वाला ये सांप एक सेकंड के चौथे हिस्से में अपने शरीर की कुल दूरी तक हमला कर सकता है। इधर उत्तर में
इनके ही वंश के कारपेट वाइपर भी इनकी जैसी ही खुराक पसंद करते हैं और ये भी इंसानों के करीब रहने के हिसाब से ढल गए हैं, लेकिन ये ज्यादा हिम्मती होते हैं और इन्हें अपने साइज का फायदा मिलता है। ये इतना छोटा है और माहौल में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है कि दिखता नहीं है। गांव के घरों के आसपास कई तरह के जीव आकर्षित होते हैं और वो सभी खुराक ढूंढते रहते हैं। इसके शिकार बनने वालों में बच्चे आम हैं। उन्हें छिपे हुए खतरों का अंदाजा ही नहीं होता। उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं। ये सांप रात में निकलता है, लेकिन दिन हो या रात, डिस्टर्ब किए जाने पर किसी को भी कभी भी काट सकता है और अपने कजन पफ एडर के उलट ये काफी गुस्सैल और खतरनाक जहर से लैस होता है। कारपेट वाइपर के जहर में साइटोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक तत्व होते हैं जो टिश्यू और अंगों को गला देते हैं और चंद घंटों में ही अंगों या जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन ये छोटा सा वाइपर अफ्रीका के मशहूर जहरीले सांपों से कैसे टक्कर लेगा? किसी कारपेट वाइपर के काटने पर चंद घंटों में ही उस शख्स की जान जा सकती है या वो अपाहिज हो सकता है। इसके इलाके में मरने वालों या अंग गंवाने वालों की तादाद काफी हो सकती है, जबकि पफ एडर का जहर दमदार होते हुए भी धीमी रफ्तार वाला होता है। ये शर्मीले और कम हमलावर होते हैं, जबकि कारपेट वाइपर तेजी से हमला करता है, लेकिन खिताब जीतने के लिए सिर्फ जहर और तेवर नहीं चाहिए। पफ एडर का इलाका काफी बड़ा होता है, जबकि कारपेट वाइपर्स का इलाका छोटा। लेकिन इस खतरनाक जगह को स्नेक बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को सांप काटते हैं। ये दोनों प्रजातियां हर साल हजारों लाखों लोगों को काटती हैं। पफ एडर हजारों की जान लेता है, लेकिन वेस्ट अफ्रीकन कारपेट वाइपर को अफ्रीका का सबसे जानलेवा सांप का खिताब इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बेहद गरीबी में रह रही कुछ सबसे सघन आबादियों के आसपास रहते हुए हर साल हजारों लोगों को काटता है और उनमें से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। सांप बेशक काटने के लिए बदनाम हो, लेकिन वो ज्यादातर अपने बचाव में इंसानों को काटते हैं। ये जंगली जानवर हैं, जिन्हें कुदरत ने जिंदा रहने के लिए कमाल की खूबियां और हथियार दिए हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं। इनसे डरिए मत, इनका सम्मान कीजिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से पेस्ट कंट्रोल के लिए मुफ्त में दिया गया तोहफा है।